फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस हाउ द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स। सो लेट्स अगेन। द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय द कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द हाइड्रोडायनामिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। द रोटेशनल एनर्जी टिपिकली कम्स फ्रॉम एन इंजिन और इलेक्ट्रिक मोटर। दे आर अ सब क्लास ऑफ डायनामिक एक्सीसीमेट्रिक वर्क एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीनरीज। द फ्लूइड एंटर्स द पंप थ्रू इंपेलर अलोंग और नियर द रोटेटिंग एक्सिस एंड इज एक्सेलरेटेड बाय द इंपेलर दैट इज फ्लोइंग रेडियली आउटवर्ड इनटू द डिफ्यूजर और हॉरूट की चैम्बर फ्रॉम विच इट एग्जिट्स। The common uses of centrifugal pump includes water, sewage, agriculture, petroleum and petrochemical pumping. The centrifugal pumps are often chosen for their high flow rate capabilities, abrasive solution compatibility, mixing potential as well as their relatively simple engineering. A centrifugal fan is commonly used to implement an air handling unit or vacuum cleaner. The reverse function of the centrifugal pump is a water turbine. That water turbine converting potential energy of water pressure into the mechanical energy. Centrifugal pump को हिंदी में अपकेंद्रीय पंप कहा जाता है। अपकेंद्रीय पंप अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को तेजी से घुमाया जाता है तो वह वस्तु अपने अक्ष से बाहर की ओर जाने या उड़ने की कोशिश करती है। घूमती हुई वस्तु अपने अक्ष से बाहर की ओर जाने की क्रिया को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय पंप भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यह पंप तरल पदार्थ को नीचे से ऊपर उठाने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करता है और दबाव को अंदर बाहर की तरफ फेंकता है। साधारण प्रकार के अपकेंद्रीय पंप में शाफ्ट के ऊपर एक गोल इंपेलर फिट किया होता है। इंपेलर को शाफ्ट के ऊपर इंपेलर नट से लॉक किया जाता है। लॉक करने से पहले इंपेलर को शाफ्ट के ऊपर चाबी व चाबी घाट से फिट किया जाता है। इंपेलर को केसिंग या हाउसिंग या बॉडी के अंदर फिट किया जाता है। जहाँ इंपेलर की शाफ्ट केसिंग के बाहर निकलती है वहाँ पर बाहर से हवा अंदर न जाए तथा अंदर से तरल द्रव्य लीक न करे वहाँ पर एक बॉक्स फिट किया जाता है। उसे स्टफिंग बॉक्स कहते हैं जिसमें ग्लैंड पैकिंग की जाती है ताकि बाहर से हवा अंदर न जाए तथा अंदर से तरल पदार्थ लीक न कर सके। सक्शन व डिस्चार्ज प्लेंज में दबाव को मापने के लिए प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्रीय पंप को समतल स्थिति में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि अपकेंद्रीय पंपों को नंबर वन वाइज 1, 2, 3 फिट किया जाता है। पंपों को इस प्रकार जोड़ने से यह लाभ होता है कि जब एक पंप चलता है तब दूसरा पंप बंद रहता है और जब दूसरा पंप चलता है तो पहला पंप बंद रहता है, जिससे यह लाभ होता है कि न ही घर्षण के कारण व गर्मी के कारण पंप जल्दी खराब नहीं होते। अपकेंद्रीय पंप दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में पंपों को इसलिए फिट किया जाता है क्योंकि इस स्थिति में पंपों को फिट करने से डबल हेड प्राप्त होता है। सीरीज में एक पंप में सक्शन लाइन लगी हुई होती है और उसका डिस्चार्ज दूसरे का सक्शन होता है और दूसरे पंप का डिस्चार्ज लाइन में होता है। सीरीज में द्रव्य की मात्रा एक ही होती है लेकिन इससे ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा डिस्चार्ज हेड प्रदान होता है। सीरीज में पंपों को वन टू थ्री में जोड़ा
हुआ होता है। इन पंपों को प्राइम मूवर अलग अलग व प्राइम मूवर लगाए हुए होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अकॉर्डिंग टू रेटी द फर्स्ट मशीन दैट कुड बी कैरेक्टराइज्ड एट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वॉज मड लिफ्टिंग मशीन विच अपियर्ड एज अर्ली एज 1475 इन द ट्रीटीज बाय द इटालियन रेनेसांस इंजीनियर फ्रांसिस्को डी गॉर्गियो मार्टिनी। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वेर नॉट डेवलप अंटिल द लेट 17th सेंचुरी व्हेन डेनिस पैपिन बिल्ट वन यूजिंग स्ट्रेट वेन। द कर्व वेन वॉज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन्वेंटर जॉन अपोल्ड इन 1851। Now let us see how the centrifugal pump works. Like most pumps, a centrifugal pump converts rotational energy obtained from the motor to the energy in moving fluid. A portion of energy goes into kinetic energy of fluid. Fluid enters axially through the eye of the casing, is caught up in the impeller blades, and it burned tangentially and radially outward until it leaves through all circumstantial parts of the impeller into the diffuser part of the casing. The fluid gains both velocity and pressure while passing through the impeller. Vertical centrifugal pump. Vertical centrifugal pumps are also referred to the cantilever pump. They utilize a unique shaft and bearing support configuration that allow the volute to hang in the sump while the bearing are outside the sump. This style of pump uses no stopping box to seal the shaft, but the instead utilizes a throttle bushing. A common application for this style of pump is in a part of washer. Fourth pump. In the mineral industry or in the extraction of oil sand, fourth is generated to separate the rich minerals or bitumen from the sand and clay. Fourth contains air that tend to block conventional pump and cause loss of prime. Over history, industry has developed different ways to deal with this problem. In the pulp and paper industry, holes are drilled in the impeller. Air escape to back of the impeller and special impeller discharge the air back to the suction tank. The impeller may also feature special small vanes between the primary vanes called split vanes or secondary vanes. Some pumps may feature a large eye, an inducer or recirculation of pressurized fourth from the pump discharge back to the suction to break the bubbles. Now multi-stage centrifugal pump. A centrifugal pump containing two or more impellers is called multi-stage centrifugal pump. The impellers may be mounted on the same shaft or on the different shaft. At each stage, the fluid is directed to the center before making its way to the discharge on the outer diameter. For higher pressure at the outlet, impeller can be connected in series. For higher flow rate output,